हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है। जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन हैं। 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन का नेम है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप यूनाइटेड नेशंस को एज अ इंटरनेशनल गवर्नमेंट लें, जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के टोटल 3 ऑर्गन समझे जाते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल। तो इसी तरह से अगर हम यूनाइटेड नेशंस को एज ए इंटरनेशनल गवर्नमेंट लें या इंटरनेशनल बॉडी लें, तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि हमारे म्यूनसिपल लॉ में एक एग्जेक्टिव ऑर्गन ड्यूटीज परफॉर्म करता है। यानी कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एग्जेक्टिव ऑर्गन है, जो जिसको जिसका चीफ एग्जेक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि तमाम एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी कि ना तो इसका काम किसी किस्म की लेजिस्लेशन करना है, कोई कानून बनाना है, ना ही इसका काम जो है वो कोई किसी किस्म के केसेस को डिसाइड करना है। ऑल्दो इसके फंक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ जुडिशियल ड्यूटीज असाइन इसको की जाती हैं, कुछ ना कुछ इसके पास रूल्स मेकिंग की पावर्स होती हैं। जनरली जो एग्जेक्टिव बॉडीज होती हैं दे डिसाइड द पॉलिसी मैटर्स। तो इसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है और ये एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कंपोजिशन की, तो इसकी कंपोजिशन जो है वो ये टोटल 15 मेंबर्स पे डिपेंड करता है। और 15 मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स का मतलब है कि 15 स्टेट्स, दुनिया की 15 स्टेट्स जो हैं इसकी इसके मेन मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स की जो इसकी डिवीजन है वो है 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो इसके 1945 में जब ये एस्टेब्लिश की जा रही थी, इवन उससे पहले अगर हम बात करें सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की या अटलांटिक चार्टर की, तो उस टाइम पर बड़ा एक प्रॉब्लम इशू हो गया था कि ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनको क्यों परमानेंट किया जा रहा है। ऑल दो उस टाइम पर ये 5 वो पावर्स थी जिन्होंने दुनिया के पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रोल किया था। देयरफॉर उस टाइम पर इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि क्योंकि इन्होंने दुनिया की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं पीस और सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के, देयरफॉर दे शुड बी द परमानेंट मेंबर्स। तो उस टाइम पर बहुत डिबेट्स हुई, लेकिन एट द एंड यही कंक्लूजन निकला कि ये 5 वो स्टेट्स हैं जो कि फॉर लाइफ सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट होंगी। ये 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये हम बहुत बहुत आसानी से, ये चीज़ अवेलेबल है, मीडिया पर भी हम अक्सर सुनते रहते हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ब्रिटिश, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 रशिया एंड नंबर 5 चाइना। रशिया और चाइना का मामला ये है कि बिफोर 1991 रशिया जो है ये USSR था, और जो चाइना है ये आज जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये चाइनीज रिपब्लिक पीपल जो है 1971 से पहले चाइनीज रिपब्लिक पीपल था। यानी कि इनके नेम्स चेंज हुए हैं काउंसिल के अंदर, गवर्नमेंट्स इनकी वही रही। यानी कि गवर्नमेंट के सिर्फ चेंज होने से स्टेट के नेम चेंज हुए हैं, अदरवाइज वही जो स्टेट्स पहले एस्टेब्लिश थी वही जो है इनको सक्सीड कर गई। ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी पावर्स तो हम देखेंगे अपने मैं नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता चलूं जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है। वो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका तरीक़ेकार ये होता है कि 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से, यानी कि साउथ अमेरिका से, इसी तरह से 4 जो हैं वो एशिया से, 3 अफ्रीका से और 2 यूरोप से। यानी कि इनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इन इन एरियाज से डिफरेंट लोग आएंगे, और इनका ये रोटेशन पे होता है। यानी कि ये नहीं है कि ये अगर आज पाकिस्तान का कोई बंदा आया है तो कल तो अगली बार भी पाकिस्तान का आएगा। ये रोटेट मतलब जो कंटिजेंस जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर भी ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रोटेट करती रहती है। अब इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो आने का तरीका एक तो ये हो गया कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि ये देखा जाता है कि वो स्टेट्स जो जिन्होंने यूएन के लिए मेजर कंट्रीब्यूशंस की हैं। मेजर कंट्रीब्यूशंस कौन सी हैं? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस करती हैं स्टेट्स, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्ट बन जाती हैं।
और ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये आज तो 15 हैं, लेकिन 1965 से पहले इनकी तादाद थी 11, यानी कि 5 परमानेंट थे और 6 नॉन परमानेंट थे। आज दुनिया के अंदर 1965 के बाद ये टोटल जो हैं 15 हो चुके हैं, और इस तरह की बेशुमार सजेशंस 1990 से आ रही हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ाई जाए। यानी कि दरमियान में एक ड्राफ्ट आर्टिकल पेश किया गया जनरल असेंबली में कि इनकी 15 से स्ट्रेंथ बढ़ाकर 28 कर दी जाए, लेकिन अभी तक जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 15 मेंबर्स की टोटल, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट इसकी वोटिंग प्रोसीजर के ऊपर बात करूं, तो इसका वोटिंग प्रोसीजर एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है कि यानी कि अगर कोई किसी किस्म का किसी पॉलिसी के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो वो किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा, उसमें वोटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। क्योंकि नॉर्मली जो हाउसेज होते हैं या कमेटीज होती हैं उनमें मेजॉरिटी का फैसला फॉलो किया जाता है कि अगर 10 मेंबर्स हैं तो उनमें से 5 का जो वोट होगा वो काउंट किया जाएगा। तो एक जनरल सेंस ये डिवेलप होती है कि जी अगर 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के तो जो 8 लोगों का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रोसीजर डिफरेंट है। वोटिंग प्रोसीजर डिवाइड कर दिया है क्वेश्चंस के हवाले से। सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। नंबर वन इज प्रोसीजरल मैटर्स एंड नंबर टू नॉन प्रोसीजरल मैटर्स। प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं जिनको हम सिंपल क्वेश्चंस कहते हैं, दे आर नॉट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की सिटिंग कहाँ पे करनी है, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कैसे होगा, कौन कौन से लोग इसमें आकर एज अ नॉन वोटिंग मेंबर बैठ सकते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि हाउस की वर्किंग से डील करते हैं उनको कहते हैं प्रोसीजरल मैटर्स। तो प्रोसीजरल मैटर्स के अंदर जो इसका वोटिंग का प्रोसीजर है वो ये है कि 15 में से अगर 9 वोट आ जाएंगे तो उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि अगर 8 भी हैं तो उनका फैसला नहीं माना जाएगा। 15 में से कम अज कम 9 वोट सिक्योर होंगे क्वेश्चन के ऊपर, उस इशू के ऊपर, तो वो एक्सेप्ट होगा। अगर 9 नहीं है तो वो क्वेश्चन सिक्योरिटी काउंसिल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो है सब जिसको मैं नॉन प्रोसीजरल मैटर्स कह रहा हूँ, नॉन प्रोसीजरल मैटर्स को सब्सटेंटिव मैटर्स भी कहते हैं, यानी कि ये अहम सवालात होते हैं। अहम सवालात की मिसाल आप ऐसा ले लें कि सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का इलेक्शन, और इसके अलावा से किसको यूएन की मेंबरशिप देनी है, किसको सस्पेंड करना है, किसको एक्सपेल करना है, ये तमाम जो इस तरह के अहम सवालात हैं इनको इन्होंने सब्सटेंटिव क्वेश्चंस कहा है। तो सब्सटेंटिव क्वेश्चंस के ऊपर क्या वोटिंग प्रोसीजर होगा, वोटिंग प्रोसीजर ये होगा कि आपने 9 वोट्स तो लेने हैं, लेकिन वो 9 वोट्स जो हैं आपने उनको इस तरह से करना है कि 9 के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स का भी कंकरिंग वोट होना जरूरी है। कंकरिंग वोट का मतलब है कि इन 5ों में से अगर एक जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, इन 5ों में से किसी एक ने भी अगर वोट निगेट कर दिया तो ये समझा जाएगा कि अब जो है ये बिल, ये जो पॉलिसी है या ये जो रूल या रेगुलेशन जो बनाने लगे हैं, जो एक्शन लेना है वो नहीं हो सकता। यानी कि 9-15 में से 9 वोट्स, 9 में 5 परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं, उनका कंकरिंग वोट नहीं होगा तो डिसीजन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं, जो हम आम जबान में अक्सर हम वीटो पावर की बात करते हैं, तो ये है वीटो पावर के नॉन प्रोसीजरल मैटर्स या सब्सटेंटिव क्वेश्चंस के अंदर 5ों का वोट जरूरी है। अगर किसी एक ने भी नेगेटिव वोट दे दिया तो बाकी चाहे 14 मेंबर्स भी साथ इकट्ठे मिल जाएं तो उस एक नेगेटिव वोट से वो डिसीजन जो है वीटो हो जाता है। तो इसको कहते हैं वीटो, यानी कि प्रोसीजर नॉन प्रोसीजरल मैटर्स या सब्सटेंटिव क्वेश्चंस के अंदर वीटो पावर एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं पावर्स एंड फंक्शंस की, तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, पीस जो है ये एक एंड है, एक अचीवमेंट है, एक गोल है जो कि दुनिया ने अचीव करना है एट द एंड। यानी कि जब कोई चीज़ आपने अचीव करनी है, जो इस यूएन का असल मकसद है कि एट द एंड दुनिया ने पीस को अचीव करना है। और सिक्योरिटी जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपने पीस को अचीव करना है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बेसिक फंक्शन है वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये किस तरह से हो सकता है कि अगर स्टेट्स की आपस में कोई डिस्प्यूट होती है तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो होगी बाय
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट दो तरह से होती है, एक होते हैं एमिकेबल मींस, एक होते हैं फोर्सफुल मींस। दूसरा इसका अगर मैं बात करूं इलेक्टिव फंक्शंस, इलेक्टिव फंक्शन ये होता है कि किस तरह से ये दूसरे ऑर्गन्स के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, आईसीजे के जजेस को, सेक्रेटरी जनरल को, और इसके इनके अगर सुपरवाइजरी फंक्शंस की बात करें तो सुपरवाइजरी फंक्शंस होते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल्स को ये सुपरवाइज करते हैं, और इनका एक और फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ये है कि अगर चार्टर के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो वो भी इनकी पावर है कि ये 9 कंकरिंग वोट से इस चार्टर को भी अमेंड कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक सिक्योरिटी काउंसिल। थैंक यू वेरी मच।